नमस्कार, ये बिहार न्यूज प्रतिदिन है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत चीन सीमा विवाद के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सावधान करते हुए कहा है कि भ्रामक प्रचार और झूठ के आदम्बर से सच को नहीं दबाया जा सकता है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर बयान जारी करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम सरकार को आगाह करेंगे कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता है और पिछलग्गू सहयोगियों द्वारा प्रचारित झूठ के आडंबर से सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा है कि मौजूदा सरकार के लिए गए फैसले और उठाए गए कदम ये तय करेंगे कि भविष्य उनका आकलन कैसे करता है, तथा पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी सलाह दिए हैं कि प्रधानमंत्री को अपने शब्दों व ऐलानों द्वारा देश की सुरक्षा एवं सामरिक व भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान रहना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने बयान में 15-16 जून को मारे जाने वाले 20 भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इन सैनिकों ने अंतिम सांस तक मातृभूमि की रक्षा की है, उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री के इस बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जारी करते हुए लिखा कि भारत की भलाई के लिए मैं आशा करता हूं कि पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात को विनम्रता से मानेंगे। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज।